બે ના ત્રીજો છે ને ત્યાં થી જવાનું. અને આ બાજુ શું છે? આ બાજુ મ્યુઝિયમ છે. મ્યુઝિયમ છે, એટલે સ્મૃતિવન વાળો છે. जैसा कि गाइस आपने देखा होगा कि हम दिन के व्लॉग्स काफी ज्यादा बनाते हैं, तो आज सोचा हम नाइट का एक व्लॉग बना के देखें कि पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स करती है. और हम एक भुज की बहुत ही अच्छी जगह पे आए हैं जिसकी प्राइस बहुत ही चीप है, सिर्फ 20 रुपए की इसकी पर पर्सन एंट्री फीस है पर पर्सन. तो अभी हम आए हैं 3 जने. आप बोलोगे तीसरा कौन है भाई? तीसरा वो है उसका भी लगा भाई 20 रुपए. हाँ, और ये वन ऑफ द साइलेंट पीस जहाँ पर आप बैठ के मस्त एंजॉय कर सकते हो. तो अभी आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी लाइटिंग लगी हुई है. अभी वहाँ पे स्मृति वन भी साइड में है, और वहाँ पे अभी एक और चीज़ है जो टॉप पे हम ट्राई करेंगे कि हम वहाँ पे जाए. तो गाइस अभी हम आए हैं एक रहस्यमय जगह पर जहाँ पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही है. आप देख सकते हो हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, और आगे क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा, और आसपास कुछ भी नहीं है. देखिए आप यहाँ पर भी टॉप तक जाएंगे और एक रोशनी हमें दिखी है, इस रोशनी के भरोसे हम आगे जा रहे हैं. अब देखते हैं आगे कुछ होता ही नहीं. ये खड़े हैं भाई साहब, खड़े इधर, इनसे पूछते हैं आगे कहाँ जाना है. तो गाइस आपको सीधा जाना है, चलिए सीधे सीधे. तो आगे हमें टन दिख रहा है. तो गाइस हम आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, इतनी इतनी कब्द है मेहनत, इतनी मेहनत कर रहे हैं डर के साथ, हम रात में भटक रहे हैं आपके लिए. तो इसी बात पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे. ये तो घोर अंधेरा है यहाँ पे. अब यहाँ पे पानी स्टोर होता है ताकि आप इसलिए चढ़ सको, पर ये बहुत लंबा कर दिया झिकझक के चक्कर. लग रहा है आगे जाके हमें चुड़ैल दिखने वाली है. नाइट का व्लॉग बनाओगे तो यही होगा ना मेरे भाई. तो भाई नाइट का व्लॉग पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हमको कुछ मिला है. इन सब चीज इन सब चीजों से सावधान रहे. तो गाइस ये ब्लॉग को थोड़ा हम एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे, तो हमारी जो इधर उधर की बातें होगी उस पर ज्यादा गौर नहीं करना. अभी काफी शांत है. और एक चीज बताऊं, वो सिर्फ जो है ना कुआं, उससे रोहित की फटती है, वो डरता है इससे. क्यों डरता है भाई? प्लीज ऑडियंस को बताइए. Why you are fighting? It looks negative. It's look negative? It yeah. stores water, brother. You know what I mean? You will get pani to drink. आप सोच सकते हो आप अभी अलग अकेले एक रास्ते में हो जहाँ पे कोई भी ना हो आगे और पीछे. मैं हूँ ना, मैं हूँ ना. और आप या आपके साथ कोई दोस्त हो, दो ही जने हो, और रास्ते में कोई भी ना हो, तो आप सोच सकते हो आपकी कितनी कितने हद तक फट जाएगी. तो जिस व्यू के लिए हम 1 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे हैं चलते हुए, वो हमारे सामने है, व्यू हमें मिल चुका है, वो है ये. अभी भी और ज्यादा ऊपर है, अब देखते हैं जाने के लिए रास्ता कहाँ से है. अभी हम करीब 1.5 किलोमीटर चल के आए हैं ऊपर, और जस्ट मंजिल पर पहुंचने वाले हैं. तो भाई आप सोच रहे होंगे इतना दूर ये पैदल क्यों जा रहे हैं और किस चीज के लिए जा रहे हैं. तो भाई हम किस लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नाइट व्यू लेने के लिए. जो बहुत सिटी का जो है वो नाइट व्यू कितना क्लियर और कितना शानदार रहेगा, काफी मस्त आएगा. क्योंकि आपको हमने भुजिया हिल्स में भी दिखाया था ऊपर से टॉप से व्यू, मॉर्निंग का, दिन का काफी मस्त था वो. तो राइट नाइट का तो ऑब्वियसली ज्यादा बेस्ट आएगा. तो भाई पीछे का व्यू बहुत ही ज्यादा मस्त है. तो अभी हम थोड़ा दौड़ते चढ़ेंगे ऊपर, क्योंकि अभी आधे घंटे बंद हो जाएगा ये. तो रोहित आजा पीछे पीछे. तो गाइस इधर हम क्यों आए हम आए व्यू के देखने के लिए. आप देख सकते हो पीछे हमारे कितना अच्छा व्यू है, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको. उस टाइम पे हम सारे कच्छ वाले कंफ्यूज थे कि यहाँ पे बन क्या रहा है आखिर, जो बहुत सालों से काम चालू था और बन ही नहीं रहा था. एकदम छोटे छोटे एकदम गोल गोल जैसे कुआं जैसे थे. तो मैंने इसको बोला था भाई कुआं बन रहा है इधर. ऊपर से हम देख के कंफ्यूज हो जाते थे कि ये चीज आखिर है क्या, सब जगह से गोल गोल. बट आज फाइनली वो दिन आ गया जो हम यहाँ पे जगह पे आए हैं, और जगह पे हमने देखा कि एक्चुअली है क्या इधर, भाई जो हमने आपको दिखाया. काफी मस्त बनाया.
व्यू काफ़ी अच्छा है, तो मेरा आपको एक सजेशन है कि पहले आप अपने आसपास की सिटी को देखें। हमारा आपको सजेशन है कि आप अपने आसपास की सिटी को एक बार गौर करके देखें और वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो देखने लायक है जो आपने नहीं देखी उस जगह को विजिट करें। काफ़ी बेस्ट बेस्ट चीज़ें यार भुज में, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हम अभी तक कई बार गए ही नहीं है, हम सिर्फ कच्छ ही कवर कर रहे हैं अभी तक, और अभी तक कितने सारे चीज़ें जो हमने अभी तक आपको दिखाई ही नहीं है। आप अपने फ्री टाइम पे हमारा चैनल एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आपको कच्छ की जो भी फेमस जगह है ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें भाई, और इट्स मोर देन 8 मंथ और अभी तक ये अभी तक चालू ही है और बहुत सी जगह ऐसी है जो आपको कवर करना आपको दिखाना बाकी है। तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को एक बार जरूर से चेकआउट करें और अपना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और कंटेंट और हमारी फैमिली में जुड़ जाए। तो अभी टाइम हो चुका है 10:30 बजे बंद होता है, बज गए 10:15, तो अभी चलते हैं नीचे, भागते हैं भाई जल्दी जल्दी वरना बंद कर देगा, जाना भी नहीं देगा क्योंकि चढ़ने में हमको करीब आधा घंटा से ज़्यादा लगी थी, तो अभी उतरने में उतना ही टाइम लगने वाला है, तो अभी हम टाइम पे निकलते हैं यहाँ से।